हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज बात करूंगा ONGC के बारे में, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। इन्होंने एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और इस महीने के अंदर ये अपना जो कारोबार है बहुत बढ़ाने वाले हैं। मैं आपको डिटेल पहले वो न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में कि हमें शेयर के बारे में क्या करना चाहिए। तो देखिए, न्यूज़ ये है, ONGC टू स्टार्ट ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम $5 बिलियन डीप वाटर प्रोजेक्ट दिस मंथ। यानी इस महीने के अंदर इन्होंने जो खोज कराई थी बंगाल के अंदर, पानी के अंदर जो उन्होंने काम जो गैस और ऑयल वगैरह ढूंढते हैं समंदर के अंदर, उसमें उन्हें कामयाबी मिल चुकी है। और ये इसी महीने अपना जो प्रोडक्शन है चालू करने वाले हैं बंगाल के अंदर। पूरी खबर ये आप पढ़ सकते हैं पूरी न्यूज़। स्टेट कंसोलिडेट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC विल किक ऑफ ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम इट्स मच डिलेड फ्लैगशिप डीबेस प्रोजेक्ट इन कृष्णा गोदावरी बेसिन इन वाइट ऑफ बंगाल दिस मंथ, हेल्पिंग रिजर्व ईयर्स ऑफ डिक्लाइन इन आउटपुट इन सीनियर कंपनी ऑफिशियल। तो देखिए, आप पूरी न्यूज़ आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और कहीं भी देख सकते हैं। ये लोग को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और इसके कारण शेयर के अंदर बहुत अच्छी खासी हमें तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने कुछ डिविडेंड घोषित किया है या नहीं किया है। जी हाँ, इन्होंने अपना एक डिविडेंड भी घोषित किया है जिसकी एक्स डेट है 21 नवंबर 2023। डिविडेंड है 5.75 रुपये, 115% का ये डिविडेंड कंपनी बांटने वाली है अपने शेयर होल्डर को। तो देखिए, दो तो खुशी की बात मिल गई कंपनी को, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंपनी का वो पूरा हो चुका है और बहुत जल्द ये प्रोडक्शंस में चालू करने वाले हैं। कंपनी को फ़ायदा होगा, खुद का अपना ये जो डीजल और पेट्रोल जो क्रूड ऑयल होता है उसका निकालेंगे, खुद का निकालेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे, तो उससे जाहिर सी बात है इसको कंपनी को फ़ायदा होगा। कंपनी को फ़ायदा होगा तो इसके इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बांटने वाले हैं, जो कि 5.75 रुपये का प्रति शेयर डिविडेंड देने वाले हैं। तो देखिए, ये तो हुई इसके डिविडेंड की बात, और जो साथ में न्यूज़ निकल कर आई उस न्यूज़ की बात, दो कारण ऐसे बन रहे हैं कि जिसके कारण शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन शेयर आज गिरा है, तकरीबन 0.5% गिरा है। अब हम अपने शेयर पर चलते हैं वापस लौट कर कि हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, शेयर के अंदर हम बात करें तो शेयर अपने 52वीं खाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52वीं खाई कितना है, 200 रुपये का, और ट्रेड कितने में कर रहा है, 196 रुपये में। वही लो इसका 133 रुपये का है। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि अपने बुक वैल्यू से ये अभी भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसका बुक वैल्यू कितना है, 246 रुपये का। साथ ही साथ फेस वैल्यू देखें तो इसकी 5 रुपये की है, और पी देखें तो केवल 5.24 का है। यानी शेयर आपको सस्ते में मिल रहा है, अच्छी कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है, सरकारी कंपनी है, रेगुलर डिविडेंड भी बांटती है, और साथ ही साथ कंपनी अपना एक नया प्रोजेक्ट जो है उसको चालू करने वाली है। कंपनी जो खोज कर रही थी अपने काफ़ी टाइम से, उस खोज को पूरा करके उससे ये अपना प्रोडक्शन चालू करने वाले हैं, खुद का ये अपना क्रूड ऑयल निकालेंगे, गैस निकालेंगे और फिर उसको मार्केट में सेल करेंगे। आपको मालूम होगा कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस और ऑयल का सबसे ज़्यादा इसी के पास भंडार है, और यही सबसे बड़ा मार्केट लीडर है। तो देखिए, मैंने आपको ये चीज़ें बताई और समझाई। आप 1% ऐसा भी हो सकता है, न्यूज़ अच्छी आई है, कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है,
लेकिन फिर भी शेयर 0.5% गिरा है। हो सकता है और भी गिरे, लेकिन ये कन्फर्म है कि कुछ ही समय के अंदर ये आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगा। इस शेयर के अंदर लिख के रख लें आप कि आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है कम समय के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको बैक टू बैक एक से एक बेहतर शेयर ढूंढ कर लेकर आ रहा हूँ, जिसमें न्यूज़ भी हैं, डिविडेंड भी है, और सब कुछ आपको बेहतर बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी, मेरा काम करने का तरीका आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो कमेंट करके बता दें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, आपके साथ साथ आपके जानकार दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। और आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी मेहनत का आप मुझको इनाम दे सकते हैं, या चार्ज दे सकते हैं, या कुछ भी जो समझ कर दे सकते हैं। चार्ज क्या है? मामूली सा चार्ज है। आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।